तो आज हमने बनाया है इडली मंचूरियन। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। तो चलते हैं किचन में बनाते हैं इडली मंचूरियन। छोटों और बड़ों को बहुत पसंद आएगा। वीडियो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे मेरे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो चलते हैं किचन में बनाते हैं इडली मंचूरियन एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो आज हम बना रहे हैं इडली मंचूरियन। तो उसके लिए मैंने ये इडली ली है और उसके पीसेस कट लिए हैं। इडली की आप कैसे बनाइए उसका आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो या मेरे वीडियो पे जाके देख सकते हो। इतनी सॉफ्ट इडली। और ये मैंने कुछ शिमला मिर्च ली है, लाल पीली हरी। ये प्याज काटा हुआ है, ये बीन्स हैं, ये हरे प्याज है, इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च है। और उसके लिए मैं सॉस तैयार कर रहा हूँ, ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस, सोया सॉस, शेजवान सॉस और सिरका है। तो उसको मैं मिला के एक सॉस तैयार कर लेता हूँ। डालते हैं ग्रीन चिली सॉस, एक चम्मच के करीब डालिए। एक चम्मच ही मैं रेड चिली सॉस डाल रहा हूँ। एक चम्मच ही मैं सोया सॉस, डार्क है, थोड़ा सा डाल रहा हूँ सिरका, एक टेबल स्पून टी स्पून के करीब। और केचप, हॉट एंड स्वीट 2 टीस्पून के करीब डालिए। ये शेजवान सॉस है, 1.5 चम्मच के करीब डाल रहा हूँ मैं। आप अपने हिसाब से कम बढ़ती कर सकते हो कि आपको कैसा तीखा चाहिए। अच्छे तरह से मिक्स कर लिया। अब चलते हैं गैस की साइड। ये सॉस हमारी एक तरह से रेडी है, बाकी उसको तैयार करना है। गैस पर आ गया चाइनीज वॉक, ऑयल डालते हैं उस पर। अदरक प्याज, इसको क्रंची फ्राई कर लेते हैं बराबर। डालते हैं शिमला मिर्च हरी लाल पीली, और मैंने थोड़ी बीन्स भी डाली हुई है वो भी डाल दी साथ ही। स्वीट कॉर्न भी ऐड कर देते हैं। गैस हल्की रख कर मैंने थोड़ी देर के लिए। ये जो सॉस बनाई थी ये सॉस डाल देते हैं इसमें। मिक्स करते हैं इसको, और थोड़ा सा पानी ऐड कर रहा हूँ अभी। जब हम सॉस को थोड़ा सा पकाएंगे हम हल्का सा, इसलिए मैंने पानी ऐड करा है। टेस्ट अकॉर्डिंग हम थोड़ा नमक डालते हैं इसमें। सॉस में ऑलरेडी नमक है और काली मिर्च। थोड़ा सा डालते हैं ऑरेगानो और मिक्स हर्ब। मिक्स करते हैं। जाएगी थोड़ी सी शुगर मिठास के लिए, और
थोड़ा सा पानी और ऐड कर रहा हूँ। और ये अरारोट का मैंने घोल तैयार करा है, 1.5 चम्मच के करीब डाला है मैंने, ये भी ऐड कर देता हूँ। पकाएंगे जब हमारी सॉस थोड़ी गाढ़ी ना हो जाए। सॉस हमारी गाढ़ी हो गई है, यानी कि अब इसमें इडली, अपनी इडली ऐड कर देते हैं और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। इसके बाद और हमारा इडली मंचूरियन रेडी है। इसको बस 1 मिनट और हम इसके साथ और कर लेते हैं, पका लेते हैं। और सर्व करते हैं उसको, ऊपर से डालते हैं ग्रीन ऑनियन और सर्व करते हैं बराबर। तो हमारा इडली मंचूरियन रेडी हो गया सर्व करने के लिए, एकदम सॉफ्ट। आई होप आपको मेरा बनाया हुआ इडली मंचूरियन की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।